कर्तव्य समर्पण समिति मुरादाबाद ने गौतम बुद्ध पार्क से सोनकपुर पुल के बीच बने तिराहे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम के प्रतीक धनुष की प्रत्यंजा पर बाण चिन्ह प्रतिस्थापित कर श्री राम चौक नामकरण किया गया। धनुष बाण प्रतीक का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह द्वारा अनावरण कर एवं नारियल फोड़कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वेद विद्यालय के विद्यार्थियों ने वेद मंत्रोच्चारण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए देशवासियों को बधाई दी और कहा कि आज पूरा विश्व प्रफुल्लित है और पूरा देश राम में हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय सभी वर्ग के लोग राम जी से जुड़ी पोस्ट डाल रहे हैं। उन्होंने वेद विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्रों का अति सुंदर और स्पष्ट उच्चारण की प्रस्तुति के लिए उनका साधुवाद किया। इस अवसर पर वतन कुमार, रोहित कुमार, ओम प्रकाश शास्त्री, अनंत कुमार जैन, गोपाल मिश्र, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अमित गुप्ता, अविनाश गुप्ता, विशाल गुप्ता, राजकुमार, अनुज गुप्ता, धर्मेंद्र मिश्रा, कशिश चौहान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सर, आज श्री राम चौक का जो क्या कहना चाहिए? मेरा नाम प्रणित गुप्ता है। मैं कर्तव्य समर्पण समिति के अंदर एक सदस्य हूँ। हमारी कंपनी है सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उस कंपनी ने इसका निर्माण कार्य करवाया है। आज 21 तारीख को राम मंदिर के अंदर जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी पूर्व संध्या पर मुरादाबाद द्वारा श्री राम को समर्पित राम चौक का निर्माण आज यहाँ प्रारंभ हुए समाप्त हुआ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका उद्घाटन करा गया। इसके अंदर हमारे संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, भाजपा के, अन्य संगठनों के सभी विशेष अतिथि लोग मौजूद रहे। क्या कहेंगे सर? आज देखिए, 22 तारीख को बाल विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी के क्रम में जो समारोह विभिन्न प्रकार के चल रहे हैं, उसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे राम जी की स्मृति में चौक का उद्घाटन किया गया है। इसमें सम्मिलित किया होगा बहुत अच्छा कार्यक्रम। श्री राम चौक का जो उद्घाटन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के मंदिर की होने जा रही है। इस अवसर पर पूरा देश राममय हो गया है। पूरे देश के अंदर हर अनेकों कार्यक्रम, अनेकों संस्थाएं कर रही हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम की प्रेरणा इस क्षेत्र के लोगों पर कहे, ऐसा श्री राम चौक के नाम से इस चौक का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। क्यों नाम होता है, जो उसके प्रभाव होता है उस क्षेत्र पर, उसके संस्कार होते हैं। इस क्षेत्र के लोगों में ऐसे संस्कार आए और ये हमने धनुष बाण का जो चित्र रखा है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारा देश सबसे अधिक बुद्धि, सबसे अधिक बल और सबसे अधिक संसाधन होने के बाद भी समय समय पर और परतंत्र हुआ, ये इस बात का द्योतक है कि भगवान ने भी जब जब आवश्यकता हुई तब तब शस्त्र को हाथ में लिया है। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है, हमारे समाज के ऊपर, हमारे किसी आस्था के ऊपर, हमारे किसी प्रतीक के ऊपर, तो उसके लिए हिंदू समाज अब हर समय शस्त्र अस्त्र हर तरह से तैयार है।